हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे कि किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो फाइंड करते हैं एक और नए मेथड से, और इस मेथड का नाम है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एक्सरसाइज 4.3, इसमें इसकी स्टेटमेंट एक बार हम पढ़ लेते हैं। इसकी स्टेटमेंट में हमने कहा, इसमें कहा गया है फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे ये 4 पार्ट्स थे। तो यहाँ पे कहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 अबव बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके हमें रूट्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे हमने इसको स्टेटमेंट को कुछ इस तरह से लिखा कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करके आपको जो रूट्स है वो फाइंड करने। तो प्यारे बच्चों, अभी तक हम फैक्टराइजेशन मेथड से और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से रूट्स फाइंड कर चुके हैं। अब जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है उससे हम रूट्स फाइंड करने के लिए जो हमारा वर्किंग रूल है पहले उसके बारे में हम एक बार बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन गिवन है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है आपके पास, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी आपके पास इक्वेशन है गिवन है उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करके स्टेप 1 में आप ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू ये फाइंड करेंगे स्टेप 1। इसके बाद स्टेप सेकंड में आप क्या करेंगे, डी जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डी की वैल्यू फाइंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहां पे पहुंचने के बाद इसके बाद स्टेप थर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेंगे रूट्स फाइंड करने के लिए, वो है एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाय 2a, और इसको सोल्व कर लेंगे स्टेप 4 में हम इसको सोल्व कर लेंगे। तो जब इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स आ जाएंगे। तो ये 4 स्टेप्स हैं जो आप इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। मेरे बच्चों, हमने इस क्वेश्चन को सोल्व किया फर्स्ट को परफेक्ट स्क्वायर से, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। हमने देखा कि जो इसके टू रूट्स आए, बोथ जो रूट्स हैं वो अनइक्वल भी हो सकते हैं, मतलब दोनों रूट्स की वैल्यू अलग अलग भी हो सकती है और इक्वल भी हो सकती है। यहां पे जो वैल्यू है वो इक्वल भी आ सकती है, सेम वैल्यू भी आ सकती है, और ऐसा भी हो सकता है कि नो रियल रूट एग्जिस्ट कि कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट ना करे। तो यहां पे हमारे पास ये सिचुएशन है कि जो रूट्स हैं वो अनइक्वल है दोनों के दोनों, और सेकंड केस में रूट्स इक्वल है, रियल तो है ही। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं कि इस केस में रूट्स कैसे हैं? एक तो केस ही हो सकता है कि रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। एक केस हमारे पास ऐसा आया कि जिसमें हमारे पास क्या है, रूट्स आर रियल एंड इक्वल, कि जो रूट्स हैं वो इक्वल है। और तीसरा केस था हमारे पास कि कोई भी हमारे पास जो रूट है वो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि इमेजिनरी रूट्स होंगे, उस केस में रियल रूट नहीं होगा। यहां पे इस क्वेश्चन में हमें कैसे पता चलेगा कि जो रूट्स है रियल और अनइक्वल है, यानी कि दोनों अलग अलग है कि या दोनों के दोनों सेम है या कोई रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता? ये डिपेंड करेगा डी पर। डी जो आप ये डी कैलकुलेट करोगे, डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करोगे, इस पे डिपेंड करेगा। अब यहां पे
सपोज करो डी की वैल्यू आ जाती है ग्रेटर देन जीरो, जीरो से बड़ी वैल्यू यानी कि पॉजिटिव वैल्यू आ जाती है। तो डी की वैल्यू अगर आ गई पॉजिटिव तो रूट्स कैसे होंगे, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, यानी कि दो अलग अलग वैल्यू आपके पास आएंगी। सपोज करो डी की वैल्यू आ जाती है आपके पास इक्वल टू जीरो, अगर डी की वैल्यू आपके पास आ जाती है इक्वल टू जीरो तो रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे और वो इक्वल होंगे, यानी कि दोनों रूट सेम आएंगे, दोनों रूट की वैल्यू होगी वो सेम होगी। और तीसरा जो केस है वो नो रियल रूट, ये कब होगा, जब डी लेस देन जीरो आ जाए, लेस देन ग्रेटर देन जीरो मीन्स पॉजिटिव, पॉजिटिव वैल्यू आ जाए डी की, और लेस देन जीरो मीन्स नेगेटिव वैल्यू हो तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा। तो ये थ्री केसेस हो सकते हैं। अब इन स्टेप्स के बेस पे हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको बड़ा मजा आएगा इन क्वेश्चंस को सोल्व करने में। अगर हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की, फर्स्ट पार्ट की, तो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। लिखेंगे कंपेयरिंग अबव इक्वेशन विद, स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से a की वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a, x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2, x का कोएफिशिएंट b और यहां x का कोएफिशिएंट माइनस 7, कॉन्स्टेंट c और यहां कॉन्स्टेंट 3, a b c की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे, d डिस्क्रिमिनेंट क्या है, b स्क्वायर माइनस 4ac, d इज इक्वल टू b की वैल्यू माइनस 7 x स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3, d इज इक्वल टू माइनस 7 का स्केयर यानी कि 49 माइनस 8, ये 24 हो जाएंगे, 4 की 2 के साथ 8, 8 की 3 के साथ 24, तो d की वैल्यू आ गई हमारे पास 25। अब देखो हमारा d पॉजिटिव आ गया ग्रेटर देन 0, तो हम लिखेंगे सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, यानी कि दो अलग अलग वैल्यू मिलेंगी हमें रूट्स में। अब वो निकालेंगे कैसे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाय 2a, तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू, देखो माइनस तो पहले लगाओ फॉर्मूले में, b की वैल्यू हमारे पास माइनस 7, तो माइनस 7 प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू है 25 डिवाइड बाय 2 इंटू ए, ए की वैल्यू है हमारे पास 2, तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस का 7 प्लस माइनस रूट 25 से हमें मिल गया 5 डिवाइड बाय 4, तो एक बार तो हम x इज इक्वल टू 7 प्लस 5 डिवाइड बाय 7 प्लस 5 डिवाइड बाय 4 के लिए सोल्व कर लेते हैं, और एक बार x इज इक्वल टू 7 माइनस, एक बार प्लस के लिए और एक बार माइनस के लिए सोल्व कर लेते हैं। यहां से x की वैल्यू आ गई 12 डिवाइड बाई 4, तो x इज इक्वल टू 1 पे और ये 3 पे, तो 3 वैल्यू आ गई। यहां से x इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 4, 1 और ये 2, तो x की वैल्यू 1 बाई 2 आ गई, तो यहां से लिख देंगे सो रूट्स आर क्या है 3 एंड 1 बाई 2। तो बिल्कुल इजी, काफी इंटरेस्टिंग मेथड है जो रूट्स है फाइंड करने के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है जो काफी इंटरेस्टिंग मेथड है, इसकी सहायता से हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट, इसी तरह से अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें, यहां पे हमारे पास सेकंड पार्ट में जो इक्वेशन है उसको हम लिख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास इक्वेशन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4, तो
इसको हम इक्वेट कर लेते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, तो यहां पे हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू 2 आ जाएगी। b x का कोएफिशिएंट यहां पे b है और यहां x का कोएफिशिएंट 1 है, ध्यान रखेंगे c इज इक्वल टू माइनस 4, तो हम d निकाल लेते हैं, d इज b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इज b है हमारा 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू माइनस 4, ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो d हमारे पास आ जाएगा 1 स्क्वायर टू 1 ही हो गया, माइनस माइनस प्लस, 4 की 2 के साथ 8, 8 की 4 के साथ 32, तो d की वैल्यू हमारे पास आ गई 33, ग्रेटर देन 0 है। सो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, तो दोनों ही रूट होंगे जो रियल होंगे और कैसे होंगे, अनइक्वल होंगे, अलग अलग होंगे। अब रूट्स निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, फॉर्मूला लिख लेते हैं, एक्स इजिकल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाय 2a, तो एक्स इजिकल टू माइनस बी की वैल्यू 1 प्लस माइनस रूट डी, डी की वैल्यू है हमारे पास 33, तो रूट 33 डिवाइड बाय 2 इंटू ए, ए की वैल्यू है हमारे पास 2, तो एक्स इजिकल टू माइनस 1 प्लस माइनस रूट 33 डिवाइड बाय 4। तो आप चाहे तो इसी को आंसर लिख सकते हैं क्योंकि ये 2 ही रूट है, और नहीं तो आप लिख सकते हैं कि माइनस 1 प्लस रूट 33 डिवाइड बाय 4 एंड माइनस 1 माइनस रूट 33 डिवाइड बाय 4 आर दी रिक्वायर्ड रूट्स जो हमें चाहिए थे, या फिर आर दी रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारे पास आंसर आ गया, आप चाहो तो ये आंसर लिख सकते हो, तो आपकी मर्जी है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पार्ट थर्ड की, थर्ड पार्ट में हमारे पास इसी तरह से 4x स्क्वायर प्लस 4 रूट 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 ये गिवन है, तो इसको फिर हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लिया, तो यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 4, b की वैल्यू आ जाएगी 4 रूट 3 और c की वैल्यू आ जाएगी 3, तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो d इज 4 रूट 3, b की वैल्यू 4 रूट 3 इट्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू भी 4 और सी की वैल्यू 3, तो डी देखो हमारे पास, देखो 4 की 4 के साथ करेंगे तो 16 आ जाएगा, और रूट 3 की रूट 3 के साथ हमें 4 रूट 3 का स्क्वायर निकालना है, तो इसका मीनिंग 4 रूट 3 की 4 रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई है, 4 की 4 के साथ करेंगे 16 और रूट 3 की रूट 3 के साथ करेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 16 की 3 के साथ करेंगे तो ये 48 हो जाएगा, तो यहाँ पे सीधा ही 48 लिख देते हैं, 48 माइनस 16, 16 की 3 के साथ करेंगे 48, दोनों ही 48 हो गए, तो हमारे पास 48 माइनस 48, तो d इज इक्वल टू 0, तो d की वैल्यू 0 आ गई, तो लिख सकते हैं हम कि सो द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दोनों ही रूट कैसे होंगे, सेम होंगे। अब यहां से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी डिवाइड बाय 2a, तो x इज इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू माइनस 4 रूट 3, माइनस तो पहले ही है, बी की वैल्यू है 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट डी की वैल्यू 0 है डिवाइड बाय 2 इंटू ए, ए की वैल्यू हमारे पास 4 है, ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4, x इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस रूट 0 से तो 0 ही मिलेगा डिवाइड बाय 8 हो गया। अब आप देखेंगे x इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 प्लस 0 डिवाइड 8 करेंगे तब भी वही मिलेगा, और माइनस 4 रूट 3 माइनस 0 डिवाइड बाय 8 करेंगे तब भी वही मिलेगा, प्लस 0 कर ले या माइनस 0 कर ले तो रहेगा तो वही x इज इक्वल टू माइनस 4 रूट 3 डिवाइड बाय 8, और यहां से भी माइनस 4 रूट 3 डिवाइड बाय 8, 4 1 पे और 2 पे, यहाँ 1 पे और 2 पे, तो यहां से x की वैल्यू आ गई माइनस रूट 3 डिवाइड बाय 2,
और यहां से भी x की वैल्यू माइनस रूट थ्री डिवाइड बाय टू। अब लिख देंगे सो माइनस रूट थ्री डिवाइड बाय टू एंड माइनस रूट थ्री डिवाइड बाय टू आर दी रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, या फिर सिंपली माइनस रूट थ्री डिवाइड बाय टू एंड रूट माइनस रूट थ्री डिवाइड बाय टू आर दी रिक्वायर्ड रूट्स। बिल्कुल सिंपल मेथड, सबसे इंटरेस्टिंग मेथड है ये हमारे पास। नेक्स्ट इसके बाद बात करते हैं पार्ट फोर की। तो फोर्थ पार्ट में है हमारे पास, इसमें गिवन है 2x² + x - 4 = 0। तो कंपेयर कर लेंगे, यहां से हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है 2, b की वैल्यू आ जाती है 1 और c की वैल्यू आ जाती है -4। तो डिस्क्रिमिनेंट d निकाल लेते हैं, ये है हमारे पास b² - 4ac। तो d की वैल्यू हमारे पास b 1² - 4 * a की वैल्यू 2 और c की वैल्यू -4, b² - 4ac। तो यहां पे हमारे पास a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1 और c की वैल्यू कितनी है -4। तो डिस्क्रिमिनेंट d इज इक्वल टू b² - 4ac है। तो यहां पे -4 b² यानी कि b हमारा कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर लिखा -4 * a की वैल्यू, a की वैल्यू 2 है हमारे पास और जो c है c की वैल्यू -4 है, तो d हमारे पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 आ गया और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये प्लस के 30। यहां पे हमने कोई मिस्टेक कर रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं इसको। 2x² + ये और ये तो सेम हो गए, तो यहां पे हमारे पास इसमें एक डिफरेंस है, ये प्लस 4 है, ये वाला हमारे पास +4 है। तो +4 के लिए जब हम करेंगे कि नहीं, तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो +4 के लिए जब हम करते हैं तो c की वैल्यू हमारे पास कितनी है 4 है, तो c यहां पे जब हम 4 रखेंगे तो c को हम 4 रख देते हैं, तो आप देखेंगे 1² = 1 ही हुआ, माइनस 4 की 2 के साथ करेंगे तो 8 की अगर 4 के साथ करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। तो 1 - 32 b = -31, नेगेटिव आ गया, मैं 0 से लेस आ गया, नेगेटिव आ गया। सो नो रियल रूट एग्जिस्ट, कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो आगे नहीं चल रहा है हमें। तो ये जो फॉर्मूला है हमारे पास रियल रूट निकालने के लिए आगे, तो यहां पर उसने कहा था फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं। तो यहां पर रियल रूट की बात हो रही है, यहां पे आपके सिलेबस की बात है जब रियल रूट के बारे में बात हो रही है। जैसे ही आप +1 क्लास में इसको पढ़ोगे तो ये फिर आगे भी चलेगा क्वेश्चन, लेकिन फिलहाल रियल रूट की बात हो रही है। तो क्योंकि डी की वैल्यू नेगेटिव आई तो कोई भी रियल रूट नहीं होगा, कॉम्प्लेक्स रूट बनेंगे यहां से, तो ये आपके सिलेबस में फिलहाल नहीं है, तो आपका क्वेश्चन यहीं पर रुक जाएगा। क्योंकि डी हमारा नेगेटिव हो गया तो कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता, तो आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है, तो यहीं पे इसका ही आंसर आ जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाता है, और इस जो चैप्टर है, ये पूरा जो चैप्टर है, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने के 3 मेथड्स हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो तीनों ही जो मेथड्स हैं यहां तक वो कंप्लीट हो जाते हैं, इसके आगे जो आपके क्वेश्चंस हैं वो चलते चलेंगे, वहां पे आगे आपकी मर्जी है कि कौन से मेथड से आप उसको सोल्व करना चाहिए। तो तीनों ही मेथड की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।